हे गाइज, आज मैं बना रही हूँ भिंडी मसाला। और आप इस प्रकार का भी आप एक बार भिंडी बनाइए। जो लोग, यकीन मानिए, जो लोग भिंडी नहीं भी खाते हैं या पसंद नहीं करते हैं, आप इस प्रकार का आप एक बार बना के उनको खिलाइए। यकीन मानिए, वो लोग ज़रूर खाएंगे, ज़रूर पसंद करेंगे। आप इस तरह से आप एक बार अच्छे से भिंडी मसाला आप लोग बनाइए। मैं जैसे बना रही हूँ, आप इसी तरह से आप लोग घर में बना के उनको खिलाइए। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, वो लोग ज़रूर खाएँगे और ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं भिंडी को अच्छे से मैं वॉश कर ली थी। वॉश करके आप लोग इसे पूरी तरह से सुखा लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि इसमें बिल्कुल ही पानी ना रहे। और इसके बाद हम लोग इसे अच्छे से कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने भिंडी का फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट को हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे। और आप लोग को जितना साइज का चाहिए, आप लोग उस तरह से आप लोग ऐसे करके कट कर लीजिएगा, ठीक है। और आप याद रखिएगा, पानी बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप वॉश करके थोड़ा देर इसे अच्छे से खा लीजिएगा। तो देखिए, मेरे पास जितना यहाँ पे भिंडी था, मैंने सबको इसी तरह से मैं कट करके मैं यहाँ पे एक बर्तन में मैं यहाँ पे रख दूँगी। इसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फिर मैं एक कटोरा ली। कटोरा में मैं यहाँ पे दही ले रही हूँ। दही आप लोग बिल्कुल खट्टा दही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच और एक थोड़ा सा यहाँ पे मैं दही ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ले रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, देखिए यहाँ पे गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे मसाला थोड़ा थोड़ा ही ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मसाला में ही अच्छा बनेगा, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, तो इसलिए मैं ज़्यादा मसाला नहीं ले रही हूँ। अगर आप लोग को ज़्यादा मसाला वाला चाहिए, तो आप लोग और थोड़ा थोड़ा मसाला भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के बाद देखिए, इसे हम लोग अच्छे से मिला लेंगे दही के साथ, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो हमने कट करके रखे थे भिंडी, यहाँ पर मैं मिर्च पाउडर ले रही हूँ। और नमक उमक कुछ भी ऐड नहीं करें, नमक हम लोग बाद में ऐड करेंगे। सिर्फ मिर्च पाउडर मैं यहाँ पे ऐड करने के बाद इसे हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे एक पैन ली। पैन में मैं ऑयल ऐड की हूँ। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगी, अभी हम लोग जो भिंडी था इसे हम लोग फ्राई करेंगे। भिंडी को हम लोग को याद रखें, इसे हम लोग 60-70% ही हम लोग को पकाना है, पूरी तरह से हम लोग को नहीं पकाना है, क्योंकि हम लोग को ग्रेवी करना है। तो आगे हम लोग इसे जब करी बनाएंगे, तभी हम लोग इसे पूरी तरह से और आधा हम लोग इसे पका लेंगे। तो आप लोग इसे गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम में रखिएगा, और इसे 4-5 मिनट लगेगी आप लोग को। इसे आप लोग अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, 50-60% हो चुके हैं। तो इसे अभी हम लोग एक बर्तन में हम लोग इसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारा भिंडी को एक बर्तन में मैं यहाँ पे निकाल दे रही हूँ। इसके बाद देखिए, उसी पैन में ही जो तेल बचा हुआ है, उसी में मैं यहाँ पे जीरा मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। जैसे ही जीरा थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगी, इसके बाद मैं यहाँ पर एक नहीं 2 चिल्ली मैं यहाँ पे ग्रीन चिल्ली यहाँ पे मैं कट करके रखी थी, और एक बड़ा प्याज मैं यहाँ पे कट करके रखी थी, इसे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद इसे हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जिन लोगों को अदरक लहसुन अगर डालना है, तो आप लोग यहाँ जैसे ही प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी, आप लोग इस टाइम में अदरक लहसुन भी आप लोग इसमें ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे अदरक लहसुन को स्किप किए हूँ, ठीक है। आप लोग चाहे तो, जिन लोगों को बिना अदरक लहसुन या प्याज का चाहिए, तो आप लोग प्याज भी यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्याज अच्छे से भून चुकी थी। तो यहाँ पर जो हमने दही लिए थे, दही को यहाँ पर ऐड कर दिया। याद रखिएगा, गैस का फ्लेम को पूरा लो कर दीजिएगा, या फिर गैस पूरी तरह से बंद करके ही आप लोग दही को ऐड कीजिएगा। देखिए, दही ऐड करने के बाद मैं इसे 5-6 मिनट अच्छे से पका ली थी। तो यहाँ पे कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, और वहाँ पे हाँ, मैं थोड़ा सा चिल्ली पाउडर और चिकन मसाला पाउडर थोड़ा सा मैं ऐड की थी, इसलिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया। इस टाइम में मैं नमक भी ऐड कर दी हूँ। नमक ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो भिंडी था, भिंडी को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देना है। तो जिन लोगों को ग्रेवी नहीं चाहिए, आप लोग भिंडी ऐड करने के बाद 4-5 मिनट इसे लो फ्लेम में अच्छे से भून लीजिएगा। और आप लोग इस तरह से भी आप लोग खा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ग्रेवी चाहिए, आप लोग 4-5 मिनट इसे भूनने के बाद आप लोग पानी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रेवी बनाना है, तो मैं यहाँ पे हल्का सा पानी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ।
ऐड करने के बाद हम लोग इसे 6 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में हम लोग इसे अच्छे से पका लेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी इसे हमें 6 से 7 मिनट के लिए हम लोग इसे छोड़ देंगे गैस में ही। इसके बाद जैसे ही 6 से 7 मिनट हो चुकी थी फ्रेंड्स, देखिए भिंडी मसाला एकदम ऑलमोस्ट बन के तैयार है। तो देखिए आप लोग इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए। और मैं सच ही बोल रही हूँ, जो लोग भिंडी नहीं पसंद करते हैं, आप लोग इस तरह सा एक बार दही ऐड करके आप लोग एक बार बनाइए और आप लोग खाइए। आप लोग इसे चावल रोटी के साथ आप लोग खा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्टी बना था। और आप लोग भी आप ज़रूर बनाइए। जो लोग भी मेरे चैनल में नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी रेसिपी चाहिए आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेशन में आप लोग मुझे बताइएगा। और मेरा इंस्टा आईडी भी हम दे रहे हैं, आप लोग वहाँ भी मुझे फॉलो या कमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ, है ना, बड़ी मज़ेदार। तो आप लोग भी इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं, घर पर बनाइए और आप लोग खा लीजिएगा। जिनको भी नहीं पसंद है आप लोग उसे भी इस तरह से भिंडी मसाला बना के आप लोग खिला सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।